ट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस नौजवानों की सक्सेस ये होती है जो मेरे पास आते हैं कुछ करने के लिए ओवर नाइट फेम और ओवर नाइट लॉट्स ऑफ मनी एंड दैट्स वेयर देयर विजन एंडिश कि ये सक्सेस है सो so, आर्टिस्ट की जो सक्सेस होती है वो एक्चुअली जर्नी होती है ना सो वॉट इज योर डेफिनेशन ऑफ आर्टिस्टिक सक्सेस फॉर योर सेल्फ लेकिन ये बात भी है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है यंगस्टर में क्योंकि बड़े अच्छे काम करने वाले जब हम उनको कॉलेज से भेजते हैं तो उसमें से अक्सर जो है वो उस दौड़ में पड़ जाती है जो वो इमरान कुरैशी को देख के शायद वो ये सोचते हैं कि ये बड़ी जगहों पे एग्जबिशन और महंगी तस्वीरें और शहरत और तरह की तो और उसको अचीव करने की कोशिश होती है ना कि वो ये देखते हैं कि वो जर्नी कैसी थी अब वो कहाँ से कहाँ चले और किस तरह काम में चेंजेस आए और क्या बना और वो सफ़र शायद मिस कर जाते हैं तो वही प्रॉब्लम बनता है कि फिर वो आगे ख़ुद भी नहीं मूव कर पाता मैं यहाँ भी बैठा हूँ तो मुझे दिमाग में शायद मेरा स्टूडियो आ रहा है ये नहीं आ रहा कि उस स्टूडियो में ऐसी पेंटिंग बने जो बिक जाएगी बल्कि ये आ रहा है कि मुझे पेंट करना है या कुछ ख़ास कोई चीज़ बनानी है और पैसा और वो शायद माने उस तरह से अब नहीं रखते ज़रूरत तो होती है सबकी लेकिन काम को अफेक्ट नहीं करना चाहिए उस चीज़ को वो दोनों अलग चीज़ें हैं साथ साथ चलेंगी लेकिन अलग हैं हमारा ये ख्याल है कि वो जो भी शौक़ से करता है बच्चा वो अपना मुस्कबिल उसमें बड़ा अच्छा बना सकता है बेशक कम कमाएगा लेकिन वो खुश होगा अपनी ज़िंदगी से अक्सर नौकरियां हमारे वो लोग कर रहे थे उन्होंने वो पढ़ा है जो उन्होंने नहीं करना था इसीलिए आप दफ्तरों में जाएं वो बेजार बैठे होंगे तंग करेंगे उन्हें कोई शौक नहीं होगा वो सिर्फ इसलिए हम आएँ कि उनको तनख्वाह मिलनी है पहली तारीख को तो अदरवाइज वो कोई शौक़ से नहीं कर रहे थे अपने काम अगर हर इंसान वही चीज़ करे जो उसने करनी है तो बड़ा मुख्तलिफ माहौल होगा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि वो कमाएगा कम लेकिन खुश होगा and that that's a very good thing as opposed but to, to no right. that's very interesting hmm.